Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to talk about world geography. This is the first lecture of world geography in which we are going to discuss about the Asian continent. तो आज हम world geography का पहला lecture start करेंगे और इसमें हमें same physical geography of the world पढ़ना है. तो इसमें हम सेवन कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे कि सेवन कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, कनाल सिस्टम देखेंगे, फॉरेस्ट्स का भी हम इसमें ज़िक्र करेंगे और कितनी कंट्रीज़ है, कौन सी बड़ी कंट्री है किस कॉन्टिनेंट में और कहां से कहां बॉर्डर शेयर किया जाता है, ये सारा जो है ये हम कॉन्टिनेंट लेवल पर डिस्कस करेंगे. तो आज का ये पहला लेक्चर है वर्ल्ड जियोग्राफी पे. तो आज के इस वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया डिस्कस करूंगा आपके साथ और मैं आपको शो करूंगा कि कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में है, एशिया में कितनी कंट्रीज़ है टोटल में, ठीक है, सेंट्रल कंट्रीज़ किन कंट्रीज़ को माना जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ है, नॉर्थ में कौन सी कंट्री पड़ती है एशिया में, साउथ में कौन सी, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है. तो शुरू करते हैं, लेट अस गेट स्टार्ट. तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो यहाँ पे हम पहले नॉर्थ देखेंगे कि एशिया का नॉर्थ साइड कौन सा है और इस नॉर्थ साइड में कौन सी कंट्री पड़ती है. तो अगर हम यहाँ पे एशिया के मैप को पहले देखेंगे तो ये एशिया का नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है. इसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे इंडिया की तरफ तो ये साउदर्न साइड है, ठीक है, ये साउदर्न साइड है, साउदर्न साइड ऑफ एशिया. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, उनको हम कहते हैं कोकोकेस माउंटेन्स. जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उस टाइम आपसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स. यहाँ पे आपको एक तो यूराल माउंटेन्स नज़र आएंगे और कोकोकेस, सी ए यू सी ए एस यू एस, कोकोकेस, कोकोकेस माउंटेन्स, ठीक है. कोकोकेस माउंटेन्स और यूराल माउंटेन्स जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं और इसके साथ साथ कैस्पियन सी, ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये वाला एरिया यहाँ पे मैं आप शो करूँगा, यहाँ पे कैस्पियन सी, ठीक है, ये भी जो है ये अलग करता है एशिया और यूरोप को. तो अभी आपने याद रखना है कि यूराल माउंटेन्स जो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स यहाँ से आते हैं, यूराल माउंटेन्स से रशिया का ये वाला जो एरिया है ये रशिया का एशिया में पड़ता है, ठीक है. मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी कहा कि रशिया जो है, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ओबियसली ये एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है. लेकिन ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि ये दो कॉन्टिनेंट्स पे आती है, इसका लैंड दो कॉन्टिनेंट्स पे आता है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो रशिया का है ये यूरोप में पड़ता है और ये जो मेजॉरिटी वाला एरिया है रशिया का ये एशिया में पड़ता है, ठीक है. तो अब यहाँ पर याद रखना है कि एशिया के नॉर्थ में जो कंट्री पड़ती है यहाँ से यूराल माउंटेन से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ये एरिया जो येलोइश एरिया है मैप पे, ये है रशिया और ये पूरा नॉर्थ है. तो नॉर्दर्न साइड में अगर हम एशिया का देखेंगे तो एशिया को एक कंट्री पड़ती है, वो है रशिया. कभी कभार मंगोलिया को भी, मंगोलिया का कुछ हिस्सा भी जो है इंक्लूड किया जाता है नॉर्थ साइड में. तो फिलहाल अभी याद रखना है कि रशिया जो है ये एशिया में वाहिद कंट्री है जो नॉर्थ में पड़ती है. अब हम नीचे आएंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया. ईस्टर्न साइड में यहाँ पे दो कंट्रीज आती है, ये वाला एरिया जो मैं आपको
दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया और प्लस ये। एक है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया और चाइना, चाइना का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दो कंट्री जो है ये एशिया में, एशिया के ईस्ट में पड़ती है, ठीक है, एशिया के ईस्ट में पड़ती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पे जो ये कंट्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दो कंट्रीज भी यानी कि ईस्ट एशिया में पड़ती है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जापान, ये जो जे शेप है, ठीक है, ये है जापान, तो जापान जो है ये भी ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो ईस्ट एशिया में कुल मिला के यहाँ पे हम देखेंगे, एक है मंगोलिया, दूसरा है चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम 38th पैरेलल कहते हैं, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 38th पैरेलल इनके बीच में बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और जापान जो है ये भी ईस्ट एशिया में पड़ता है। अब और एक कंट्री है यहाँ पे, वो है यानी कि ये चाइना इसको डिक्लेयर करता है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, ताइवान, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है। लेकिन अगर आप ताइवान की ऑफिशियल ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, क्योंकि चाइना क्लेम करता है ताइवान हमारा ही पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन अभी ये जो है ऑटोनॉमस है, लेकिन ये चाइना के अंडर ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना कितनी कंट्रीज आई ईस्ट एशिया में। नॉर्थ में एक ही कंट्री है एशिया में, वो है रशिया। और अगर एशिया की बात करेंगे तो एक है मंगोलिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है नॉर्थ कोरिया, फोर्थ है साउथ कोरिया एंड फिफ्थ है जापान, ये जो जे शेप है, ठीक है। तो फाइव कंट्रीज पड़ती है ईस्ट एशिया में। अब हम यहाँ पे जाएंगे सेंट्रल एशिया की तरफ, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ है रशिया, ठीक है, अब आपको पता है। अब यहाँ पे ये जो तान वाली कंट्रीज आती है, ठीक है, जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, ये कंट्री जो है इनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन है सेंट्रल एशिया में, तो वो है कजाकिस्तान, ठीक है, ये मुस्लिम कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री मानी जाती है सेंट्रल एशिया में। लेकिन अगर ओवरऑल एशिया में बात करेंगे तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, ये वर्ल्ड की भी है और एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर, यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर साइड से ये जो एरिया है, ठीक है, ये है अफगानिस्तान, ये यहाँ पे जो वाटर मार्क आपको नज़र आ रहा है ये है तजाकिस्तान, ये एरिया यहाँ पे ये है किर्गिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ये है उज़्बेकिस्तान, और ये है कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री। तो ये कितनी कंट्रीज है, वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ठीक है। तो सिक्स कंट्रीज पड़ती है यहाँ पे, कहाँ, सेंट्रल एशिया में। तो अब हम आएंगे साउथ एशिया, जो हमने ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डिस्कस किया, जिसको सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे अब इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं। तो साउथ एशिया में एक तो यहाँ पे है डायरेक्टली इंडिया तो पड़ता ही है साउथ एशिया में, ठीक है, या एशियन, दूसरा है नेपाल, शायद मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जहाँ पे मैंने नेपाल दिखाया था वहाँ पे मैंने भूटान, सॉरी, लिखा था, ठीक है, तो आप करेक्ट करें, लेकिन जहाँ पे भूटान था वहाँ पे मैंने नेपाल लिखा था। तो पहले नेपाल आता है और इसके बाद भूटान। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, और इसके साथ साथ जो आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, मालदीव्स,
ठीक है, ये सारी कंट्री जो है इनको हम साउथ एशियन या सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया के नाम से भी, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये कुल मिला के 8 कंट्रीज है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने देखो, एक तो हमने नॉर्थ डिस्कस किया, नॉर्थ में रशिया है, और फिर हम आए ईस्ट में, ईस्ट में हमने चाइना डिस्कस किया, ठीक है, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर हमने देखा साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें हमने देखा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनको हम कहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़। अब हम देखेंगे, देखो अभी हमने देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ईस्टर्न भी कवर किया हमने, ठीक है, सेंट्रल भी हमने कवर किया, अब हम पढ़ेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, नीचे नीचे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जूम करेंगे मैप को पहले, देखो साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज़ आती है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ लगभग यहाँ पे आती है एशिया में। एक है यहाँ पे जो आपको येलोइश नज़र आता है, म्यांमार, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश तो साउथ एशिया का पार्ट है, म्यांमार। फिर यहाँ पे ये जो छोटा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये है लाओस, LAOS, लाओस, ठीक है। फिर है ये जे शेप, ये है वियतनाम, वियतनाम, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ, ठीक है, ये ताइवान के नीचे और थाईलैंड के नीचे, ये कंबोडिया है, कंबोडिया, कंबोडिया के अब हम नीचे आएंगे, ठीक है, कंबोडिया हमने डिस्कस किया। तो कंबोडिया के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया एक ही कलर का, ठीक है, यहाँ पे ये माल टाइप की, यहाँ पे इसको हम मलेशिया कहते हैं, ठीक है, मलेशिया, ये भी साउथ एशियन कंट्री, लेकिन मलेशिया के इस वाले, क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज़ है, सारी आइलैंड कंट्रीज़ है लगभग, मलेशिया के इस एरिया में, ये जो मलेशिया का ये वाला पार्ट है, इसके टिप में यहाँ पे, इसके टिप में यहाँ पे एक कंट्री आती है जिसको हम सिंगापुर कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मलेशिया का ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी एक कंट्री आती है यहाँ पे टिप पे, उसको हम कहते हैं ब्रूनी, ब्रूनी, BRUNI, ब्रूनी, ठीक है, ब्रूनी। फिर हम देखेंगे ये वाला एरिया, ये जो वाटर मार्क आता है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा जो है ये इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया जो है एशिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो वो है, यानी कि सबसे ज़्यादा आइलैंड्स इसमें है, सबसे ज़्यादा मतलब वो कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड्स आती है एशिया में, ठीक है, आर्किपेलागो, आर्किपेलागो मीन जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड्स होंगे, तो ये इंडोनेशिया बाकी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे जब हम देखेंगे, और एक कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती है, वो है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, तो फिलीपींस आपने याद रखना है। तो कुल मिला के इसमें यहाँ पे कितने आती है, पहला है म्यांमार, फिर है लाओस, ठीक है, फिर है थाईलैंड, फिर है वियतनाम, फिर है कंबोडिया, फिर है मलेशिया, फिर है सिंगापुर 6th, ब्रूनी 7th, इंडोनेशिया 8th, फिलीपींस 9th। तो 9 कंट्रीज आती है साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ, सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे 9 कंट्रीज, और जो यहाँ पे ईस्ट एशिया है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 कंट्रीज आती है। नॉर्थ में एक ही कंट्री है रशिया, सेंट्रल एशिया में यहाँ पे
सिक्स कंट्रीज आती है, क्योंकि अफगानिस्तान को भी जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो भी आती है। तो कल हम पढ़ेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट भी इसको कहा जाता है, साउथ वेस्ट, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड में पड़ता है, तो आप समझो साउथ वेस्ट में। इसमें ईरान आएगा, ठीक है, इराक आएगा, तुर्की का मेजर हिस्सा जो है एशिया में ही पड़ता है, थोड़ा यहाँ पे कुछ हिस्सा है जो यहाँ, ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, वो भी हम डिस्कस देखेंगे करेंगे। सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, यमन है, ओमान है, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, कुवैत है, और इसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे छोटी मोटी कंट्रीज है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।